नमस्कार, आपका स्वागत है मार्टी पीएस ऑन एयर पाठशाला में। टुडे वी विल राइट ईवीएस रिटन कॉपी लेसन 11 एंजॉयिंग फेस्टिवल पेज नंबर 21 एंड 22 जो आपको मार्टी ऐप के ऑन डिमांड में दिया हुआ है। एंड वी विल लर्न एंड राइट माय ग्रीन प्लैनेट ईवीएस बुक लेसन 11 एंजॉयिंग फेस्टिवल एक्सरसाइज आंसर द गिवन क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। For that we are using My Green Planet EVS book page number 31. Lesson 11 Enjoying Festivals। आज हम festivals के बारे में पढ़ेंगे। Festivals are time for happiness and celebration. People have fun and enjoy on festival. Festival means त्योहार। त्योहार खुशियों और उत्सव का समय होता है। लोग त्योहारों पर fun और enjoy करते हैं। Diwali is the festival of lights. It is celebrated by Hindus. Diwali लाइटों का त्यौहार है और इसे कौन सेलिब्रेट करता है? हिंदू। Eid is celebrated by Muslims after the month of Ramzan. Eid Muslims लोग सेलिब्रेट करते हैं और कब सेलिब्रेट करते हैं? रमज़ान के महीने के बाद में। Next, Christmas is celebrated by Christians on 25th December every year. क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है? क्रिश्चियंस। और कब सेलिब्रेट करते हैं ये? 25 दिसंबर के दिन। गुरु पूरब इज सेलिब्रेटेड बाय सिख। गुरु पूरब कौन सेलिब्रेट करता है? सिख। नेक्स्ट पेज नंबर 32। वी हैव सम नेशनल फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेटेड। नेशनल फेस्टिवल क्या होता है? राष्ट्र त्यौहार। कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती और रिपब्लिक डे। नाउ एक्सरसाइज टाइम। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ए, आंसर द गिवन क्वेश्चन। फर्स्ट, विच इज फेस्टिवल ऑफ लाइट? आंसर कौन सा है? दिवाली। नेक्स्ट पेज नंबर 33। सेकेंड क्वेश्चन, हु सेलिब्रेटेड गुरुपूरब? गुरुपूरब कौन सेलिब्रेट करता है? आंसर सिख। नेक्स्ट थर्ड, हु सेलिब्रेट ईद? ईद कौन सेलिब्रेट करता है? आंसर मुस्लिम्स। एंड लास्ट फोर, नेम एनी टू नेशनल फेस्टिवल। आंसर फर्स्ट गांधी जयंती। रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, दिवाली इज डैश फेस्टिवल। दिवाली कौन सा फेस्टिवल है? रिलीजियस या नेशनल? रिलीजियस। तो हम यहाँ टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे रिलीजियस। सेकेंड, गांधी जयंती इज अ डैश फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल या नेशनल फेस्टिवल? तो नेशनल फेस्टिवल। तो हम यहाँ टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे नेशनल। एंड लास्ट थर्ड, डैश सेलिब्रेट ईद। ईद कौन सेलिब्रेट करता है? मुस्लिम या हिंदू? मुस्लिम। तो हम यहाँ टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कलर द पिक्चर गिवन ब्लू। यहाँ आपको पिक्चर दे रखी है, आपको इसमें कलर करना है और ये आपको होमवर्क में करना है। नाउ वी आर यूजिंग ईवीएस रिटन कॉपी पेज नंबर 21 लेसन 11 एंजॉयिंग फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल।
Answer. First, Diwali. Second, Eid. Third, Christmas. And last, fourth, Guru Purab. Next, page number 22, question number 2. What is our national festival? Answer. First, Independence Day. Second, Gandhi Jayanti. Last, third, Republic Day. Next, question number 3, match the following. यहाँ match up करेंगे. First क्या दे रखा हमको? Diwali. Diwali कौन celebrate करता है? Hindu. तो हम यहाँ first number लिखेंगे और circle बनाएंगे. नेक्स्ट सेकेंड ईद. ईद कौन सेलिब्रेट करता है? मुस्लिम. मुस्लिम का लिखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ सेकेंड नंबर डालेंगे और सर्कल बनाएंगे. थर्ड क्रिसमस. क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है? क्रिश्चियन. तो हम यहाँ थर्ड नंबर लिखेंगे और सर्कल बनाएंगे. एंड लास्ट फोर्थ गुरु पूरब. गुरु पूरब कौन सेलिब्रेट करता है? सिख. तो हम यहाँ पे फोर नंबर लिखेंगे और सर्कल बनाएंगे. मार्टी एप के ओन डिमांड में ईवीएस रिटर्न कॉपी में पेज नंबर 21 एंड 22 आपको दिया हुआ है. आपको उसी को देख के वर्क कंप्लीट करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. राइट ऑन द कमेंट्स, गिव मी योर फीडबैक. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो, आई विल हैप्पी टू आंसर. ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट. हैव अ नाइस डे.